तो मानव अधिकार की गुहार अगर कहा जाए तो श्रम आंदोलन से उठी। आज कॉरपोरेट जगत के लोग हों या सत्ता के अंदर बैठे लोग हों या सत्ता के बाहर भी कुछ लोग हों, अगर वो ये समझते हैं कि मजदूरों के ऊपर बोझा डालना चाहिए, उनके काम के घंटे बढ़ाना चाहिए, तो वो इतिहास के चक्र को वापस घुमाना चाहते हैं। तो आप ये सोचिए कि जो श्रमिक है जिसने डिग्निटी ऑफ लेबर मांगा और काम के सुनिश्चित घंटे मांगे, आप उसको फिर से जानवर की हैसियत में भेज रहे हो। एक तो यही है जो लेबर कोड्स बने हैं जिसके चलते हुए स्ट्राइक का हक छीन लिया जाएगा, जिसके चलते हुए वेज की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, जिसके चलते हुए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और कठिन हो जाएगी, जिसके चलते हुए सोशल सिक्योरिटी जो हमें मिली हुई है वो भी कमज़ोर डाल दी जाएगी। तो लेबर कोड्स बहुत डेंजरस हैं मजदूरों के लिए, इसलिए ट्रेड यूनियंस उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। कोल की मैंने आपको बताई, स्टील में रेजिस्टेंस है, इंश्योरेंस में रजिस्टर है, बैंक्स में रेजिस्टेंस है। बैंक्स का भी प्राइवेटाइजेशन ये अभी तक नहीं कर पाए, इसलिए मर्जर का रास्ता चुना है। मर्जर का रास्ता करके उन्होंने जो बैंक्स मर्ज किए थे उनके लिए मुसीबत पैदा कर दी है। तो एक पर्टिकुलर स्टेज में जाके कहेंगे कि नहीं, ये 13 बैंक मिले, अब इनको और छोटा करो, 6 करेंगे। तो प्राइवेटाइजेशन सीधे नहीं कर पाए क्योंकि रेजिस्टेंस तगड़ा था, तो ये नए रास्ते इन्होंने चुने हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं समय दिल्ली में हूँ और दिल्ली में भी एक दफ्तर में हूँ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का दफ्तर है, संक्षेप में इसको AITUC कहते हैं। ट्रेड यूनियन का दफ्तर है तो लिहाजा आप समझ सकते हैं यहाँ मजदूरों की लड़ाई, मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई का संचालन होता है। बहुत पुराना जो है ट्रेड यूनियन है, अगर एक नज़रिए से देखिएगा तो कहा जाएगा सबसे पुराना देश का जो ट्रेड यूनियन है वो AITUC है। और इस देश के अंदर जो मजदूर है, मजदूर समूह है, जो तबका है, इसमें चौतरफा संकटों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर हमले चौतरफा हैं। अगर सरकार हमले कर रही है श्रम कानून में तब्दीली करके कैसे उनके अधिकारों को घटाए जाए, तो कॉरपोरेट तो सीधा हमला कर रहा है और उसको घंटे सिर्फ नहीं बढ़ाने हैं बल्कि मजदूरों को सड़क पर ले जाके खड़ा करना है, अपने शर्तों के मुताबिक उससे काम लेना है, यहाँ तक पहुँचा दिया है। अभी कल ही जो है नारायण मूर्ति जी का बयान आया है कि युवाओं को 70 घंटे काम करना चाहिए हफ्ते में, यानी 8 घंटे की जो ड्यूटी मजदूरों ने लड़ाई लड़के हासिल की थी उसको भी एक ऐसे शख्स के जरिए उस पर सवाल उठाया जा रहा है जो सोबर माना जाता है कॉरपोरेट वर्ल्ड में। तो आप समझ सकते हैं दूसरे कॉरपोरेट का क्या हाल होगा। तो मामला बहुत ही संगीन है और पिछले 30 सालों में इस देश के अंदर नई आर्थिक नीति के जरिए जो प्रयोग हुआ है उसने यहाँ तक पहुँचा दिया है देश को और वहाँ उसके मजदूरों को। इसी मसले पर और इससे जुड़े हुए कई मसले हैं हमारे सामने, उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं अमरजीत कौर जी, AITUC की महासचिव हैं और मुझे इस बात का गर्व है कहते हुए कि ट्रेड यूनियन आंदोलन में महिला नेताएं नहीं होती हैं आमतौर पर। और मैं पिछले 15 सालों से देख रहा हूँ दिल्ली में एक चेहरा जो लगातार जो है मज़दूरों के आंदोलन की अगुवाई कर रहा है, ना सिर्फ अगुवाई कर रहा है बल चढ़ के हिस्सा लेता है और किसी मोर्चे पर किसी भी पुरुष से आगे खड़ा होता है। अगर ट्रेड यूनियन का कोई चेहरा मुझसे कहा जाए कि सामने लाइए तो मैं शायद सबसे पहले जो है अमरजीत जी का नाम लूँगा, इस तरह से मैं देखता हूँ। स्वागत है अमरजीत जी। शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं सवाल तो यही करूँगा, ये जो कल बयान आया है नारायण मूर्ति जी का 70 घंटे काम करना चाहिए हफ्ते में, इसको किस रूप में देखा जाए? इसको इस रूप में देखा जाए कि जो दुनिया के मजदूरों ने और भारत के मजदूरों ने भी 1886 में लड़ाई शुरू की काम के घंटे सुनिश्चित कराने की, और लंबी लड़ाई के बाद, कई कुर्बानियों के बाद जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना 1919 में, इतने वर्षों की लड़ाई के बाद उसमें पहली कन्वेंशन पास हुई 8 घंटे की। वो क्यों लड़ाई चली? मजदूरों ने ये कहा कि 24 घंटे का पूरा दिन का चक्र है पूरा, तो उसमें से 8 घंटे आराम के, 8 घंटे काम के और 8 घंटे परिवार के साथ हम जो भी कुछ करना चाहें। और इसको मेडिकली भी डॉक्टर्स ने सपोर्ट किया, इसको पूरा सोशल सपोर्ट भी मिली, कल्चरल सपोर्ट भी मिली और फिलोसोफर्स की सपोर्ट भी मिली, आइडियोलॉग्स की सपोर्ट भी मिली। और मजदूर ने तो कहा ही, आप तो जानते हैं दिसंबर में ह्यूमन राइट्स डे आएगा, 10 दिसंबर घोषित है UNO के द्वारा,
और कईयों ने ह्यूमन राइट्स के नाम पे बोर्ड लगा रखे हैं कि हम संस्था हैं, पर मैं आज ये कहना चाहूँगी, घंटा को प्रश्न उठा तो मानव अधिकार की बात या ह्यूमन राइट्स की बात तो उठाई ही मजदूर ने, क्योंकि मजदूरों ने जब ये प्रश्न उठाया था कि काम के घंटे सुनिश्चित करो, तो उन्होंने ये कहा था कि हम जानवर नहीं, हम मानव हैं, तुम जानवरों से काम लेते हो, लो लेते हो, पर उनके साथ भी अन्याय करते हो, बहुत काम लेके वो थक टूट के सोता है जानवर, सुबह उसके आगे दाना डालते हो और उसके बाद उसको काम पे लगाते हो, पर हम तो थिंकिंग है ना, क्रिएटिव बीइंग है, हम मानव हैं, तुम हमारे साथ ये नहीं कर सकते हो। ये उन्होंने गुहार की। तो मानव अधिकार की गुहार अगर कहा जाए तो श्रम आंदोलन से उठी। आज कॉरपोरेट जगत के लोग हों या सत्ता के अंदर बैठे लोग हों या सत्ता के बाहर भी कुछ लोग हों, अगर वो ये समझते हैं कि मजदूरों के ऊपर बोझा डालना चाहिए, उनके काम के घंटे बढ़ाना चाहिए, तो वो इतिहास के चक्र को वापस घुमाना चाहते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन है, मैं ये कहूँगी कि ये पीछे को जाने वाली बात है। जब साइंस टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, क्वांटम जंप हो गया प्रोडक्शन के अंदर, जहाँ 50,000 मजदूर जितनी प्रोडक्शन करते थे आप 5,000 मजदूर से ले पा रहे हैं, जो प्रोडक्शन आप 8 घंटे में करते थे उतनी प्रोडक्शन आप 2 घंटे में ले पा रहे हैं, उसका तो मायने बनता है कि पहले से घंटे कम होने चाहिए और मजदूर को सचमुच आराम की जो बात है वो मिलनी चाहिए। और जिनको आप लग्जरी कह रहे हैं वो अब लग्जरी नहीं रह गई, उसके लिए भी मोबाइल जरूरी हो गया, उसके लिए भी ठीक वाहन में चलना जरूरी हो गया, वो सब भी जुड़ना चाहिए, उसके लिए उसकी आमदनी बढ़नी चाहिए। ये सब कुछ ना सोच के सोच ये बढ़ाई जा रही है, हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड हाउ टू सोशलाइज पावर्टी। तो गरीबी को तो सोशलाइज करो, बांटो सब में, और जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज कर लो, उसको बढ़ा लो। तो ये उसका हिस्सा है, ये अनायास ही 70 घंटे की बात नहीं। और जैसा आपने कहा कि एक ऐसे शख्स की तरफ से आया जो कॉरपोरेट जगत में लिबरल माना जाता है, तो बाकी क्या सोचते हैं, बाकी पता क्या सोचते हैं, वो कह रहे हैं 120 घंटे करो ओवर टाइम मिला के। और ये बोल रहे हैं जो कोड के अंदर आएगा 8 से 12 घंटे, उसमें ये उसी तर्ज पे जाना चाहते हैं जो गुजरात ने किया। जब पूरे देश के अंदर केंद्र की सरकार अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, जो उनके स्पेशल सेक्रेटरी मिश्रा जी हैं, उनसे चिट्ठी लिखवाई जा रही थी, सारी सेक्रेटरीज को लिखाई जा रही थी स्टेट्स के अंदर, उसमें कहा गया था 8 से 12 घंटे कर दो, वो किसी तरीके से 1-2 स्टेटों से हमारे हाथ में चिट्ठी लग गई और हमने उसको ट्रेड यूनियन सारियों को साथ जोड़ा और हमने वो डॉक्यूमेंट्स के साथ ILO को भेज दिया कि इंडिया कमिटेड है ILO कन्वेंशन नंबर 1 से और इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड से, हाउ कम गवर्नमेंट इज डूइंग दिस। तो हमने वहाँ शिकायत करी, हमें राइट है, वो ट्राइपार्टाइट बॉडी है इंटरनेशनल लेवल पे। वहाँ से चिट्ठी आई इनको, जब इनको चिट्ठी आई तो इन्होंने तुरंत ये जवाब दिया कि नहीं, वो तो एडवाइजरी थी, कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है, पर इनको ये समझ में आ गया कि घंटे तो बढ़ाने हैं, तो इनकी एडवाइजरी पे यूपी ने, मध्य प्रदेश ने, गुजरात ने तुरंत कदम उठाए। उसमें से जो है गुजरात ने तो जो कदम उठाए उसमें ये बोल दिया कि हम 8 से 12 तो करेंगे लेकिन ओवर टाइम नहीं देंगे, यानी सीधे 8 से 12 करेंगे और ओवर टाइम नहीं देंगे। तो उसको चैलेंज किया वहाँ एक यूनियन ने, उसके चैलेंज करने के बाद वो यूनियन हाई कोर्ट तक पहुंची, यूनियन हाई कोर्ट में जीत गई, गुजरात सुप्रीम कोर्ट आ गया। गुजरात की गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के उस कानून को निरस्त कर दिया कि जब देश का कानून 8 घंटे बोल रहा है, फैक्ट्री एक्ट में लिखा हुआ है, आप देश के कानून के खिलाफ कैसे ये कानून बना दिया आपने, उसको निरस्त कर दिया। तो अब ये कोर्ट में ले आए हैं, अब कोड में ले आए हैं और कोड के अंदर जिस तरीके से रूल फ्रेमिंग है उसमें ये 126 घंटों तक पहुंचना चाहते हैं विद ओवर टाइम। तो आप ये सोचिए कि जो श्रमिक है जिसने डिग्निटी ऑफ लेबर मांगा और काम के सुनिश्चित घंटे मांगे, आप उसको फिर से जानवर की हैसियत में भेज रहे हो। तो इसके अलावा ये मजदूर के काम के घंटे का मसला था, इसके अलावा मजदूर तबका और किन किन समस्याओं का सामना कर रहा है, किन किन हमलों का, अगर गिनाएं आप 3-4 करके तो देखिए, एक तो यही है जो लेबर कोड्स बने हैं,
जिसके चलते हुए स्ट्राइक का हक छीन लिया जाएगा, जिसके चलते हुए वेज की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, जिसके चलते हुए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और कठिन हो जाएगी, जिसके चलते हुए सोशल सिक्योरिटी जो हमें मिली हुई है वो भी कमज़ोर डाल दी जाएगी। तो लेबर कोड्स बहुत डेंजरस हैं मजदूरों के लिए, इसलिए ट्रेड यूनियंस उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले श्रमिक आंदोलन ने, क्योंकि तब एक ही राष्ट्रीय संगठन था एटक, और एटक के तहत ही अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी सब थे, तो एटक ने उस समय डिबेट चलवाई थी फ्रीडम मूवमेंट में कि आज़ाद हिंदुस्तान में आप कैसे मैनेज करोगे अपने रिसोर्सिस को। उसके लिए तीन तीन कमेटियाँ बैठी थी, और उन कमेटियों की अल्टीमेटली जो डिसीज़न आई थी वो ये आई थी कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सिस हैं और जो एसेट्स क्रिएट करते हैं हम लेबर से, ये राष्ट्रीय संपदा होगी, ठीक है, और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे उससे जो हम क्रिएट करेंगे वो पब्लिक सेक्टर में बनाएंगे, पब्लिक की मनी से बनाएंगे, और वो नेशनल प्रॉपर्टी होगी, वो जनता की प्रॉपर्टी होगी। और इंडिपेंडेंट इंडिया में उसी के हिसाब से फिर पार्लियामेंट में डिबेट हुई, हैवी इंडस्ट्री का डिसीजन हुआ, पब्लिक सेक्टर खोलने का फैसला हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज को आहिस्ता आहिस्ता टेक ओवर करके नेशनल प्रॉपर्टी कहा गया, जिसमें लैंड को भी एक्वायर करने की बात थी, फिर लैंड रिफॉर्म्स का इश्यू भी उठा था, वो सब कुछ किया गया। ये जो सारा डेवलपमेंट का मॉडल चला, इसने हिंदुस्तान को डेवलपमेंट दिया, और प्राइवेट सेक्टर भी पब्लिक सेक्टर की वजह से ग्रो कर पाया। लेकिन ये मौजूदा सरकार जो आई है, इनसे पहले जब लिबरलाइजेशन का दौर आया और न्यू लिबरल इकोनॉमिक मॉडल हिंदुस्तान में 91 में लेके फिर 92 से शुरू करने की बात की गई, तभी अटैक शुरू हुए थे पब्लिक सेक्टर के ऊपर, लेकिन ट्रेड यूनियन आंदोलन ने उसको डट के लड़ा, तो सेफ गार्ड करके रखा। तो पिछली सरकारों ने भी उस मॉडल को, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम WTO ने कहा, IMF ने कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा, क्योंकि GATT को बदल के WTO कर दिया गया था, तो उस सारी चीज़ को लेके जो भी ला रही थी गवर्नमेंट उसके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप किया गया। लेकिन अमरजीत जी, मैं ही थोड़ा सा रुकूंगा, 30 साल हो गए हैं, पूरी तस्वीर बदल गई है, नवरत्ना तक को आप देख रही हैं अब किस तरह से डिसमेंटल किया जा रहा है, LIC लेके तमाम उसके पैसे जो है उसमें लगाए जा रहे हैं, शेयर मार्केट में लगाए जा रहे हैं, दूसरे बैंकों में ट्रांसफ़र कर दिए जा रहे हैं, और उसको कैसे प्राइवेटाइज कर दिया जाए, उस दिशा में बढ़ गए हैं। तो अब जहां पहुंचा दिया गया है, क्या पब्लिक सेक्टर आप बचा पाएंगी, कोई बचने की स्थिति दिख रही है? देखिए, जो मैंने कहा कि पहली गवर्नमेंट्स के टाइम पे हम लड़ते थे, रेजिस्ट करते थे, चीज़ें रुकती थी, लेबर कोड्स भी नहीं बन पाए थे और पब्लिक सेक्टर भी बचा हुआ था। इस मौजूदा गवर्नमेंट ने पहले राउंड के अंदर ये हमला शुरू किया, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने 2014 से 2019 के बीच में, उसका डट के रेजिस्टेंस हुआ और काफ़ी हद तक हम सेक्टर्स को बचा पाए। लेकिन उसके बाद सेकेंड राउंड में आने के बाद दे डैम केयर, पर एक चीज़ है, उनको ये समझ में आया कि इस तरीके से हम पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज नहीं कर पाएंगे। आप ये देखिए कि वो BPCL बेचना चाहते थे, नहीं बेच पाए, बहुत से सेक्टर्स में उन्होंने देखा कि वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने रास्ता बदल लिया है, तो वो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइप ले आए हैं। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में क्या है, है रास्ता वही पब्लिक, लेकिन सीधे पब्लिक सेक्टर को हम प्राइवेट में दे रहे हैं, वो ना कह के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के जरिए से हमारे जो क्रिएटेड असेट्स हैं, अवेलेबल असेट्स हैं, उनको बेचा जा रहा है। तो वो चाहे रेलवेज हों, वो इंश्योरेंस हो, हमारे पोर्ट्स हों, हमारे एयरपोर्ट्स हों, वो हमारे तेल के अदारे हों, हमारे कोल के अदारे हों, हमारे स्टील के अदारे हों, हमारे अब्रक के हों, कि हमारे कॉपर के हों, या हमारे जो भी हम नीचे से खनिज निकाल रहे हैं, कोर हमारा निकलता है, ओर निकलता है, आयरन ओर निकलता है, डिफरेंट ओर्स निकलते हैं जिसके बेसिस पे आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, उन सब को किसी न किसी रास्ते से ये आगे कर रहे हैं। आप मेरे से पूछेंगे रोक पाएंगे कि नहीं? यही मतलब, और स्पेसिफिक भी कर दें कि भाई संगठित जो ट्रेड यूनियन था, मतलब पब्लिक सेक्टर का, वो AITUC, C2 और तमाम जो लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशंस थे, वो बहुत संगठित यूनियन थी, संगठित क्षेत्र की थी, और उन्हीं पर हमला हो रहा, वो अब असंगठित क्षेत्र तो एक दूसरा हिस्सा है, वो चीज़ें अब दूसरी दिशा में जा रही, यहाँ क्यों नहीं रेजिस्टेंस हो पा रहा, या किस लेवल पर है अगर आपसे पूछे तो? मैं ये कहूँगी रेजिस्टेंस हो रहा है, ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस नहीं हो रहा है। कोरोना के पीरियड में 3 दिन कोल का हड़ताल किया, और उसके बाद मिस्टर नरेंद्र मोदी को गुस्सा आ गया, उन्होंने अपने ही ऑफिशियल्स को डांटा कि तुम कैसे लोग हो, बिडर्स नहीं ढूंढ पाए, मैं आऊँगा बिडिंग करने के लिए।
और जब उन्होंने यूनियंस ने कहा अच्छा ठीक है आओ बिडिंग के लिए, हम देखेंगे कैसे बिडिंग करोगे, उस दिन टोटल क्लोज होगा, तो नरेंद्र मोदी पीछे हट गए। इसी तरीके से अब कोल ने फिर स्ट्राइक का नोटिस दिया, फिर वो ऑक्शनिंग की बात थी, फिर पीछे हट गए। फिर लड़ाई लड़ी गई, इंश्योरेंस के लेवल पे भी लड़ाई लड़ी गई, जीआईसी भी लड़ रहा है लगातार, जो नई पॉलिसी वो केपीआई की लेके आए हैं उसके खिलाफ लड़ रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो लागू कर पाए। दो चीजें कहें, बैंक है और रेलवे, मान लीजिए दो सेक्टर हम देख रहे हैं, बैंक का मर्जर कर रहे हैं और फिर कैसे प्राइवेटाइज किया जाए, एक कोशिश चल रही वहाँ। रेलवे का जो है स्टेशन बेच रहे हैं, ट्रेन बेच रहे हैं, लाइन बेच रहे हैं, इसमें दोनों बहुत बड़े क्षेत्र हैं, सबसे ज्यादा संगठित हैं, यहाँ रेजिस्टेंस क्या है? कोल की मैंने आपको बताई, स्टील में रेजिस्टेंस है, इंश्योरेंस में रजिस्टर है, बैंक्स में रेजिस्टेंस है। बैंक्स का भी प्राइवेटाइजेशन ये अभी तक नहीं कर पाए, इसलिए मर्जर का रास्ता चुना है। मर्जर का रास्ता करके उन्होंने जो बैंक्स मर्ज किए थे उनके लिए मुसीबत पैदा कर दी है। तो एक पर्टिकुलर स्टेज में जाके कहेंगे कि नहीं ये 13 बैंक मिले, अब इनको और छोटा करो, 6 करेंगे। तो प्राइवेटाइजेशन सीधे नहीं कर पाए क्योंकि रेजिस्टेंस तगड़ा था, तो ये नए रास्ते इन्होंने चुने हैं। तो उसी नए रास्तों में मैं ये कहूँगी कि जैसे रेलवेज है, रेलवे वैसे ये प्राइवेटाइजेशन नहीं कर पाए तो प्राइवेट सेक्टर को ही रेलवे में ले आए हैं। दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा होगा और गाड़ियाँ प्राइवेट चलेंगी, मुनाफा वो कमाएंगी। और अभी अभी इन्होंने क्या किया है कि हमारी जो इंडियन कोच फैक्ट्री है, पब्लिक सेक्टर है, इस देश की सारे डिब्बे इंजन वही बनाती आई आज तक, रेल पटरियाँ वही बनाती आई है, कोच फैक्ट्री है तो वो कोच बनाती है, दूसरी फैक्ट्रीज हैं तो वो फिर पटरियां बनाती हैं। तो कोच फैक्ट्री ने ही जितनी वंदे भारत अभी तक चली हैं वही बनी है, हमारे पब्लिक सेक्टर में बनी है और वो चल प्राइवेट रही हैं। अभी अभी जो और ट्रेनें बनाने का ठेका है वो कोच फैक्ट्री को नहीं दे रहे हैं। तो तरीका क्या है, इन्होंने बहाना बनाया है आपकी वर्कफोर्स कम है, वो इतना ठेका नहीं संभाल पाएगी, इतना ऑर्डर नहीं संभाल पाएगी, इसलिए हम प्राइवेट पे देंगे। लेकिन क्या कह रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बनाएगा लेकिन जिस पे बनाएगा, जो प्रीमिसेस होंगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो मशीनें होंगी, जो मैप्स होंगे, वो होंगे जो हमारे पब्लिक सेक्टर के होंगे। यानी जैसे हमारे व्यक्ति हैं सारी लाइंस को मैनेज कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स को मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गाड़ियाँ उनकी चल रही हैं, मुनाफा वो कमा रहे हैं, इसी तरीके से अब ये कोच फैक्ट्री में आपको सारा पैराफर्निलिया लोगे लेकिन जो कोच बन के निकलेगी उसका पैसा जो प्राइवेट बिडर है उसको जाएगा। तो ये जो तरीका है उसके ऊपर अभी हमने तुरंत उसके ऊपर वैष्णव को लेटर लिखी कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपके पास वर्कफोर्स ज़्यादा नहीं, तो हम कब से चिल्ला रहे हैं कि जो सेंक्शन पोस्ट है उनको भर, हर सेक्टर के अंदर, वो इंश्योरेंस हो, बैंक्स हो, कोल हो, स्टील हो, रेलवेज हो, सब जगह पे 40-50 लाख सैंक्शन पोस्ट है। तो ये गवर्नमेंट का नया मेथड है कि भर्ती नहीं करो, फिर कहो कैपेसिटी नहीं है और फिर कहो हम प्राइवेट को उसमें डालेंगे, ये अब ये मेथडोलॉजी है। तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस है, लड़ाई हो रही है। जैसे कॉरपोरेशन 41 हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को ये 7 में बदल रहे थे तो हम लोगों ने स्ट्राइक नोटिस का डिसीजन लिया और बैलेट लिया तो 95% वर्कफोर्स ने कहा हड़ताल करो। तो जब 95% ने हड़ताल का दे दिया और गवर्नमेंट को सूचना कर दी तो वो ईडीएसओ ले आए। ईडीएसओ को कहा जब लाए तो हम आईएलओ में चले गए, आईएलओ में गया, आईएलओ ने गवर्नमेंट को फिर लिखा, एआरटीयूसी गई थी उसमें आईएलओ में। तो फिर जब पार्लियामेंट के अंदर ये सज्जन जो है राजनाथ सिंह जी ये एक्ट ऑर्डिनेंस को एक्ट में बदलने के लिए आए तो जो हमने मोबिलाइज किया था, मैं एमपीस को कि सुना है ऐसा आने वाला है आप विरोध करना है, उन्होंने विरोध किया और सवाल किया और ये भी कहा कि आईएलओ में गया था तो आपके पास आया होगा, इन्होंने कहा हाँ हमें मालूम है और हम सिर्फ 1 साल के लिए कर रहे हैं। तो ये जो यूनियन से रेजिस्टेंस है, जहाँ बन पड़ता है वहाँ हाथ डालते हैं, जहाँ शिकायत हो सकती है वहाँ कर सकते हैं, इंटरनेशनली गवर्नमेंट को शेम करना है वो हम करते हैं, उसके वजह से जो अभी तक कुछ बचा हुआ है। लेकिन मैं साफ और स्पष्ट हूँ, अगर 2024 में ये सरकार आएगी तो रेजिस्टेंस का तो कोई मीने ही नहीं रहना है। इसी में अगर एक सवाल आपसे पूछें कि जो पिछले जो है 75 सालों में जो पब्लिक सेक्टर के जरिए एक मिडिल क्लास खड़ा हुआ था, क्या कुछ ऐसा भी माना जा सकता है कि ये आइडियोलॉजिकली पॉलिटिकली जो है शिफ्ट किया और जो एक रेजिस्टेंस था
परंपरागत रूप से वो पीछे गया है, और जो ट्रेड यूनियन अंदर से कमज़ोर हो गई है, उसका नतीजा है कि सरकार इस तरह की हिम्मत कर ले रही है बड़े बड़े स्तर पर। देखो सेक्टर इटसेल्फ के ऊपर जब हमला होता है तो उसके लिए तो अभी भी वो मिडिल क्लास खड़ी हो जाती है। अच्छा, जब अपने सेक्टर पे हमला है तो खड़ी हो जाती है, जब कुछ मिल जाता है बच लेते हैं तो बैठ जाती है चुप करके। लेकिन जब वोट की बारी आती है तो कहाँ खड़ा होता है? उसी पे आ रहे हैं। तो जब कुछ मिल जाता है तो चुप हो जाती है। हम जानते हैं कि ये जनवरी में सेशन करेंगे पार्लियामेंट का, और बहुत सारी जिस दूसरों को रेवड़ी बोलते रहते हैं ये बहुत कुछ इशू करेंगे इलेक्शन के वास्ते, वो हम जानते हैं, ताकि लोग उसको लेके प्रसन्न हो जाए। जैसे अभी इन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का कुछ बढ़ाया, अभी ये पब्लिक सेक्टर के लिए कुछ करने वाले हैं। तो हुआ क्या है कि मिडिल क्लासेस जो पैदा हुए, उन मिडिल क्लासेस के अंदर जो ट्रेड यूनियन एजुकेशन होता था, ये जो पॉलिटिकलाइजेशन होता था, मैं ईमानदारी से एक्सेप्ट करूँगी कि वो कमज़ोर हुआ। और उसकी वजह ये है कि मिडिल क्लास भूल गई कि उनकी वही दुर्गत थी जो आज कॉन्ट्रैक्ट लेबर की है, ये वहाँ से यहाँ पहुँचे हैं, यूनियंस ने लड़ा है तो यहाँ पहुँचे हैं। इस चीज़ की उनको रियलाइजेशन कराए बिना और उनका पॉलिटिसाइज किए बिना आप लंबी लड़ाइयाँ नहीं लड़ सकते हैं, ये हमें मालूम है। इसलिए ये आपका क्रिटिकली आपने पूछा तो मैं भी मानती हूँ कि ये सेल्फ क्रिटिकली एग्जामिन करने वाली बात भी है। उसी के साथ साथ आप ओल्ड पेंशन वाले इशू को ही देख लीजिए, उसी पर आ रहा था। हाँ, उस पर आप आइए। मैं स्कूल में पढ़ती थी और उस टाइम पे मैं सारी जितनी घटनाएं हो रही होती थी उस पर नज़र रखती थी। मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे तो उनका सारा सर्कल उस टाइप का था, और ट्रेड यूनियन फ्रेंड्स भी उनके थे, तो मैं तभी से उन सब से मुलाकात भी मेरी होती रहती थी। एक दिन मैंने अखबार उठाया और देखा उस पर लिखा है कच्चा मार्च, और फोटो छपी हुई है, और उसमें लिखा है कि सभी केंद्रीय कर्मचारी जो हैं अंडर गारमेंट में जुलूस निकाल लें। अंडर गारमेंट को कच्चा बोलते हैं, टांगे भी नंगी हैं, ऊपर बदन भी नंगा है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।